हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मैं आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि JVNL हेल्पर सेकंड का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें देरी क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है। तो फ्रेंड, अभी तक इसका रिजल्ट आ चुका होता, 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट घोषित होने की सूचना थी। फ्रेंड, इसके रिजल्ट में अभी तक देरी हो रही है, उसकी बहुत ही वजह है। और इसमें जो भी भर्तियां निकली थी इस डिस्कॉम के अंदर, उससे रिलेटेड ज्वाइनिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं, उसकी वजह से इनमें रिजल्ट का जो भी जेवी ने हेल्पर सेकंड का रिजल्ट है और उनकी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए अभी तक देरी इसलिए हो रही है। तो फ्रेंड, इस रिजल्ट का इंतजार जो भी कर रहे हैं, अब आपका इंतजार जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इसका रिजल्ट जल्दी घोषित हो सकता है, क्योंकि जितनी भी इसकी भर्तियाँ थी उनका उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है और उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ चुका है, और जल्द ही जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी हो जाएगा जिनका इन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था दूसरी भर्तियों के अंदर। तो फ्रेंड, JVNL हेल्पर भर्ती के लिए रिजल्ट जल्दी घोषित होगा और इसका अपॉइंटमेंट लेटर भी बहुत ही जल्दी आएगा। फ्रेंड, मैं इसी तरह की वीडियो JVNL हेल्पर से संबंधित सूचना आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड, इसी तरह मेरे चैनल पर बनी रही और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी से पूरी देखें, क्योंकि इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि इसके रिजल्ट अभी तक इतना देरी से आ रहा है। फ्रेंड, इसका रिजल्ट 25 तारीख तक आ सकता है, 25 फरवरी तक इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और इसका रिजल्ट आने का वजह है कि फ्रेंड दूसरी जो अपॉइंटमेंट है उनकी देरी के कारण, क्योंकि फ्रेंड बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी बड़ी कंपनी है तो इस वजह से ज्वाइनिंग में थोड़ी देरी हो रही है और रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो रही है। तो फ्रेंड, 25 फरवरी तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है, तो 25 फरवरी से पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। फ्रेंड, अगर आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड, इसी तरह की ट्रस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और फ्रेंड, यही वीडियो मैं आपको ऑनलाइन साइट पर जाके बताऊँगा कि फ्रेंड की क्या वजह है और इसकी क्या वजह हो रही है जो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड, JVNL हेल्पर सेकंड से संबंधित कट ऑफ के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो आप यहाँ पर आई बटन पर आ जाएगा तो उसमें जाकर आप वो JVNL हेल्पर कट ऑफ का भी वीडियो देख सकते हैं। वो फ्रेंड मैंने आप ही के लिए बनाया है और पर्सनल वही कट ऑफ रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ यही जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ और कोई नहीं जाएगी। तो आप यहाँ से आई बटन से देख कर वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या वजह है कि इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है। और फ्रेंड, आप कोई भी चिंता मत करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। और रिजल्ट आने में जो वजह है कि फ्रेंड पहले जो CA के एग्ज़ाम हुए थे उनका अभी तक काउंसलिंग हुई है और उसकी ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भी आई है। तो इस वजह से फ्रेंड की उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में टेक्निकल हेल्पर का ही वेरिफिकेशन होगा और उसी का रिज़ल्ट आएगा। तो क्योंकि फ्रेंड देख लीजिए, अभी तक यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर एडमिट कार्ड का ही लिंक आ रहा है, उसके अलावा कोई सा भी लिंक नहीं आ रहा है। फ्रेंड, कुछ भी करके 24 से 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड देख लीजिए कि इसमें कैंसिलेशन और पहले जो JEN की भर्ती हुई थी उसका कैंसिल उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया था और फ्रेंड अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल हो गया था, इसलिए सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और फ्रेंड अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ है। जो भी JEN की इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई थी, JEN की इलेक्ट्रिकल की सिविल की भर्ती हुई थी, उन सभी का फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल हो गया था, वापस से सेकेंड अपॉइंटमेंट लेटर घोषित हुआ। उसके हिसाब से इस JVN हेल्पर सेकेंड के लिए थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि यही वजह है कि इसमें देरी होने का कारण है। क्योंकि फ्रेंड यह जितने भी स्टूडेंट होंगे इन भर्तियों के लिए अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, उनका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में इस भर्ती का रिजल्ट घोषित होगा। इसके बाद में सीधा टेक्निकल हेल्पर सेकेंड वाले स्टूडेंट्स को ही डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड, इसमें यह भी है, अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी है तो फ्रेंड यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे भी आप मेल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं आ पाता है, क्योंकि फ्रेंड ये इतनी बड़ी साइट है और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसका कोई मेल देख चेक नहीं करता, चेक करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो फ्रेंड ये ऑफिशियल मेल है जिसका डायरेक्ट लिंक होता है अजमेर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम से। फ्रेंड यही वजह है कि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और फ्रेंड जितनी भी भर्तियाँ थी उनका रिजल्ट आ चुका है। और मेरे इस वीडियो मेरे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड JVNL हेल्पर सेकंड से संबंधित सारी खबर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फ्रेंड जितनी भी खबर होगी वो सब फ्रेंड आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। फ्रेंड इसी तरह देख लीजिए, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती हुई थी उसके भी बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो गए और बहुत ही एग्ज़ाम होने के बाद में जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी हो गई। फ्रेंड फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके रिगार्डिंग भी देख लीजिए यहाँ पर नोटिस है। उसी तरह टेक्निकल हेल्पर सेकेंड के लिए भी नोटिस है,
जो मैं इस साइट को विजिट करता रहता हूँ, रेगुलरली चेक करता रहता हूँ, दिन में 2-3 बार चेक करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड अगर कोई भी इसमें खबर आएगी तो सबसे पहले इस खबर से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फ्रेंड जो भी रिजल्ट रहेगा, किन किन को बुलाया जाएगा उसका भी मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड ये देख लीजिए, ये टेक्निकल हेल्पर सेकेंड रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, और इसके लिए अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ही आ रहा है और एडवर्टाइजिंग लिंक ही आ रहा है। तो फ्रेंड इसी जगह वही आएगा कि किस किस को अपॉइंटमेंट लेटर बुलाया गया है, और अपॉइंटमेंट लेटर घोषित हुआ है, रिजल्ट घोषित हुआ है, वह सारा नोटिस इस सेक्शन में ही आएगा। तो फ्रेंड इसकी यही वजह है कि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड मेरिट JEE वालों की मेरिट लिस्ट निकली, अपॉइंटमेंट लेटर आया है। तो फ्रेंड इनकी अपॉइंटमेंट लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सीधा हमारी ही भर्ती के लिए, टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए ही ज्वाइनिंग लेटर होगा और रिजल्ट घोषित होगा। तो फ्रेंड यही वजह है कि अभी तक टेक्निकल हेल्पर सेकेंड का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो फ्रेंड जो भी अगर आपके फ्रेंड हैं उनको ये बता दें, इनके साथ ये वीडियो शेयर करें, अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो उनको ये वीडियो बता दें कि क्या वजह है कि टेक्निकल हेल्पर सेकंड का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और ये भर्ती कैंसिल अभी तक नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना करें, ज़्यादा सोचें नहीं, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है और वो पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, तो फ्रेंड वो आशा करता हूँ कि आप सभी के अच्छे एग्ज़ाम हुए हों और आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हों, आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाए हों, पढ़ाई करी हों। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए और ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। फ्रेंड आपको ये सूचना मैं दे देता हूँ, ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, मैं वापस से कह रहा हूँ फ्रेंड, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, और फ्रेंड आपसे वापस जाते जाते एक निवेदन करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड इस चैनल के बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इस JVNL हेल्पर से जुड़ी भर्ती की खबर आपको मिलती रहे। और फ्रेंड इसी तरह की ट्रस्टेड खबर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, JVNL भर्ती से संबंधित सबसे पहली खबर आपको मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।